साहेब श्री गुरु नानक देव जी अपने जन्म स्थान श्री गुरु ननकाणा साहिब तो लैके अनेक देशों का विदेशों का धरतियों का ब्रह्मंडा का चक्कर लगाउंदे पहली उदासी के तहत हिंदू तीर्थां दा रटन कर रहे ने। पिछले लैक्चर दे विच तुहाडे नाल मैं बनारस हरिद्वार अयोध्या अनेक ही होर इस तरह स्थानां दे उत्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी दी फेरी दा जिक्र कीता सी। उत्थे उन्होंने की कार्ज कीते उन्हां दा वेरवा तुहाडे नाल सांझा कीता ते तुहाडे नाल वख्यान कीता ते बहुत सारियां वीडियोज़ राही मैं तुहानू उहनां स्थान दे दर्शन कराए। अज
श्री गुरु नानक देव जी की पहली उदासी ही चल रही है। पहली उदासी के तहत ही यह भाग तीजा अज तुहाडे सन्मुख है। तीजे भाग दे विच उह अज सब तो पहला जिथों मैं शुरू करन लग्गिआं वो उस स्थान ते पहुँचदे ने जिसनूं गया कहिंदे ने। बिहार दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण आदकाल तो पुराने समयां तो इस स्थान विद्या दा केंद्र रहा है। इस स्थान दे आले दुआले तुसीं आम इतिहास दे विद्यार्थी पढ़दे ने, इस बिहार दे इलाके दे विच नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व विद्यालय जिहड़ा सर्वोच्च सिक्ख्या दा केंद्र रहा है, उत्थों लोग विद्या ग्रहण करते रहे ने विदेशों तो आके भी। सो अज सब तो पहला पहली उदासी दे तहत अज श्री गुरु नानक देव जी पहुँच रहे ने उस स्थान दे उत्ते गया दे। बिहार दा स्थान है गया, ते इस गया दे स्थान ते फलगू नदी दे किनारे, फलगू नदी दे किनारे पहुँचे ने। तो इस समय विसाखी का बड़ा नहाण हुंदा है, उत्ते लोग जुड़ते ने, लोगों के मन के उत्ते एक गल बिठाई गई है कि जेकर विसाखी का नहाण किया जाए तो इस दिन इस स्थान दे आके जिहड़े तुहाडे मर चुके बजुर्ग ने उन्हां दी याद दे विच आके इत्थे दान किया जाए तो फिर तुहाडी मुक्ति हुंदी है। ते जिहड़े तुहाडे बजुर्ग संसार तो चलाना करके चले गए ने, जिन्हां नूं धार्मिक भाषा के अंदर पितर कहा जाता है, एक पितर हुंदा है, एक पिसर हुंदा है। फारसी का लफ्ज़ है पिसर, पिसर का अर्थ हुंदा है पुत्र। तो यह पितरां दे जिहड़े ने मतलब अपनी याद दे विच दान करना। ते उत्थे लोग जिहड़े पांडे सी, पंडित सी, लोगों नूं बेवकूफ बना के यह गल आखदे सी कि जे तुसी इत्थे दान करोगे तां तुहाडा जीवन सफला है, नहीं तां तुहानूं तुहाडे ओह पितर किसे वी वेले जिहड़े दुख तकलीफ तुहानूं आउणे ने ओह दुख तकलीफ तुहाडे पितरां दे कारण आउणे ने। गुरु नानक देव जी विसाखी मौके पहुँचे तो पंडित जी दस रहे ने लोगों नूं कि दीवा बट्टी करनी चाहीदी है, दीवे बाल के विच बत्तियां लगा के अपने पितरां दी याद दे विच अध मार्ग करना चाहीदा है, तो घड़ा भनना चाहीदा है। मरण तो बाद जिहड़े आपे क्रियाक्रम करदे आ ते उहनां दे संदर्भ दे विच गुरु नानक पातशाह ने उत्थों दीआं गल्लां नूं फड़िया कि मरण वेले प्राणी दे अगे जां पिछे खलो के घड़ा भनना चाहीदा, फिर उहदी कपाल क्रिया करनी चाहीदी आ, पुराणा दे पाठ मंत्र उचारने चाहीदे ने, मरण उपरंत श्राद्ध करने चाहीदे ने। श्राद्धां दे विच सानूं पंडितां नूं बहुत सारी दान दक्षिणा, अन्न भोजन, वक्खरे वक्खरे प्रकार दे पकवान खिला के अपने पितरां नूं खुश करना चाहीदा। सो गुरु नानक देव जी ने इत्थे एक आसा राग दे विच शब्द उचार के लोकां नूं सीधे राह पाया। सीधे राह पाउण वास्ते गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द उचारण किया कि दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल, दीवा मेरा एक नाम लोगों नूं राहे पाउण ते अंत दे विच इस शब्द दे विच आखरी टुकां दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी लोगों नूं समझाउंदे ने, एक लोकी होर छमछरी ब्राह्मण बट पिंड खाए। छमछरी का अर्थ हुंदा है कि जो तुहाडे पितर ने, ब्राह्मण बट पिंड खाए नानक पिंड बखशीस का कबू नखुठस नाहे, कि इस स्थान दे आके तुसी अपने पितरां दी याद दे विच आटे दे पेड़े बट के उन्हां दे पिंड बना के उन्हां दे उत्ते दान दक्षिणा रख के पंडितां नूं सानूं दान कीती जावे ते तां तुहाडा छुटकारा हो सकदा है। गुरु नानक पातशाह जी उत्थे लोकां नूं ज्ञान तारदे समझाउंदे फिरदे ने,
दसते फिरते ने कि असल मनोरथ जिंदगी का है कि तो उस स्थान के उत्ते एक यादगारी शीतल कुंड गुरु नानक साहब की याद के उत्ते जो गए बनिया होया तो तुहाडी स्क्रीन के उत्ते तुसी उन्हां दे दर्शन कर सकते हो कि यह उस बिहार के इलाके जो पहली फेरी के दौरान श्री गुरु नानक देव जी उत्ते पहुँचे ने। इस तो बाद गुरु नानक देव जी इस स्थान तो होंदे होंदे गुवाहाटी जिन्हों असाम के अंदर कहते हैं पुराने समयां दे विच इस स्थान का नाम सी कामरूप। इत्थे देवियां दे सुंदर औरतां दे जादू चलिया करदे सन, काले जादू का यह इलाका होया करदा सी असाम ते बंगाल का इलाका। इस असाम दे स्थान ते पहुंचे ते उत्थे एक मंदिर है कामाख्या देवी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर शिव पत्नी की पूजा होंदी है। मैं तुहाडे नाल इस शिव पत्नी की पूजा किस तरह की जाती है, क्यों की जाती है, किवें की जाती है, उहदे बारे बहुता इत्थे मैं तुहाडे नाल विवरण नहीं देवांगा, मैं जिक्र नहीं करांगा क्योंकि वह इस तरह उहदा जिक्र करना कोई आम छोटी गल नहीं, खास करके जदों विद्यार्थी मेरे सन्मुख होण। ते उस पत्नी की पूजा करते ने, पत्नी दे खास एक रूप की पूजा करते ने। यह वाम मार्गियों का मत है, पुराने समय तो शिव भगतों ने बनाया होया अपना यह मंदिर कामाख्या देवी दे रूप दे विच। यह लोग मास की वरतों बहुत आत करते ने, मैथुन मदरा शराब माया मुद्रा खास करके आचरण तो घिरे हुए काम बहुत करते ने। विभचारी लोग ने, औरतां दे संग जां दूजे समाज तो गिरे हुए काम इन्हां दे मुख रूप दे विच इन्हां ने अपने नियमां दे विच शामिल कीते हुए ने। ते इह तुहाडे सन्मुख मैं उह कामाख्या देवी दा मंदिर भी तुहानूं मैं दिखा रहा हां कि इस कामाख्या देवी दे विच पुराने समयां दे विचों वड्डे वड्डे भगत इस माता की पूजा करके इस मंदिर के तहत अपनी श्रद्धा व्यक्त करके लोगों मंत्रा जंत्रा तंत्रा दे विच पा के किवें गुमराह कर दिया करते। सो ये कामाख्या देवी का मंदिर है जिहड़ा तुहानूं दिस रहा है। इस कामाख्या देवी के दर्शन तुसी कर सकते हो। पुराने समय दे विच लोग जिहड़े शिव भगत सी उत्थे वड्डे वड्डे नशे करके उत्थे पहुँचते सन, साधु कई प्रकार के जंत्र मंत्र इत्थे सिख्या करते सन, वरत्या करते सन, तो लोगों के उत्ते चला के उन्हां डराउंदे धमकाउंदे सन। इस तरह गुरु नानक पातशाह इस थान तो अगे हौली हौली यतन करदे आ, यात्रा करदे आ, अगे ढाका च पहुँच जाते हैं। असाम तो बाद ढाके की धरती ते पहुँच जाते हैं। ढाका किसी वेले अपने इलाके दे विच भारत का ही हिस्सा होया करता सीगा, जिसनों बंगलादेश का इलाका कहिंदे ने। ते उत्थे ढाके दे अंदर ढाकेश्वरी देवी का मंदिर है। ढाकेश्वरी देवी का जिहड़ा मंदिर है, इत्थे भी शिव पत्नी की पूजा की जाती है। लोग इस मंदिर दे विच अपनी श्रद्धा व्यक्त करते ने। ते दुर्गा पूजा उस समय का बड़ा बड़ा त्यौहार मनिया जाता है। ये दुर्गा वक्रे वक्रे मंदिरों दे विच वक्रे वक्रे लोगों ने अपने मत के अनुसार भगतों ने इसका नाम किते दुर्गा तस्लीम किया, किते काली व्यक्त किया, किते सती सृजन किया, ते किते पार्वती मनिया है। इस ढाकेश्वरी देवी दे मंदिर दे उत्ते एक बड़ी अहम और विलक्षण किस्म की घटना वापरती है। दुर्गा पूजा के समय इत्थे गुरु नानक पातशाह मरदाने दे नाल पहुँचते ने। की देखते ने कि माता नूं मंदिर दे अंदर रखिया गई मूर्तियां नूं भोग लवाउण वास्ते, खुश करन वास्ते, लोकां दीआं इच्छावां दीआं पूर्तियां करवाउण वास्ते उत्थों दे जिहड़े पुजारी ने लोकां नूं आखदे ने कि पशुआं दी बली दित्ती जावे। तो देखदे ने कि उत्थे झोटा मुख तौर ते झोटे नूं कतल किया जाता, उहदी बली दित्ती जाती है, ते होर पशुआं दी बली दे के माता नूं खुश किया जाता है। तो लोगों दीआं इस तरह दीआं भावनावां व्यक्त कीते जांदीआं ने कि हुण तुहाडे भले होणगे। उत्थे ही इस दिन की याद दे विच
जो गुरु नानक पातशाह जी ने पैर पाए उन्हां दी याद दे विच तुहाडी स्क्रीन ते गुरुद्वारा साहब के दर्शन करा रहा तुहानूं मैं जिहड़ा ढाके के अंदर बनिया होया उत्थे जिहड़े उत्थों दे लोक ने वह मुसलमान धर्म नूं ज़्यादा मनण वाले लोग ने कुछ लोग हिंदू भी ने सिख उत्थे विरले विरले ने देखो उत्थे गुरुद्वारा साहब दे विच अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं अपने अकीदे के अनुसार भेट करते हैं अपन भावनावान गुरबाणी कीर्तन करते लोग ने मुसलमान लोग तो हिंदू लोग गुरुद्वारा दरबार विज्ञान मूल कक्षे धर्माचार पालित है नाना आनुष्ठानिकता इस तो बाद ढाके तो गुरु नानक पातशाह अनेक प्रकार का स्थाना का रटन करते करते होर बहुत स्थानों छड़ के जा रहे ने पहुँचते ने इस हिंदुस्तान की दे धरती के उत्ते जिथे बहुत वड्डा मंदिर उड़ीसा के अंदर वो मंदिर है जिसनों जगन्नाथपुरी कहते हैं हिंदू धर्मां दे अंदर पुरियां दा वखरा वखरा स्थान है कई पुरियां ने जिन्हां पुरियां दे उत्ते लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं इस उड़ीसा दे अंदर जगन्नाथपुरी दे विच गुरु नानक पातशाह जी जदों रथ यात्रा निकलती है एक बहुत वड्डा यात्रा दा समागम हुंदा है उस वेले पहुँचते ने की वेखते ने कि उस स्थान के उत्ते जा के कृष्ण बलराम ते भद्दा दियां इन्हां देवतियां दियां मूर्तियां नूं वड्डियां वड्डियां रथां दे विच सजा के बाजारां दे विचों यात्रा कढ़ी जांदी है उस यात्रा दे दौरान की करदे ने कि इह उस देवते दी यात्रा है जिहड़ा कि इस जगत का मालिक है वो उस वेले बहुत वड्डी आरती उचारण करते ने मंदिर के अंदर जो पंडित आरती उचारण करते ने तो पता लग जाता कि इत्थे एक वक्री किस्म का साधु आया होया जो पंजाब की धरती तो चल के आया पहरावा वक्रा है गल वक्री है आम लोगों वो वक्री सिक्ख्या देंदे ने किसी ने कहा अगर साधु है संत है तो अज तक तो कोई संत कोई साधु इस धरती पर ऐसा नहीं जिहड़ा जगन्नाथ यात्रा इस भगवान कृष्ण की जिहड़ी यात्रा है जां जिहड़ी आरती है उहदे विच शामिल ना होया होवे सो उत्थों दे ब्राह्मणां ने पंडितां ने गुरु नानक देव जी नूं सद्दा दे दित्ता कि आरती दे विच शामिल होया जावे गुरु पातशाह ने पहला तो इनकार कर दिता पर फिर कुछ पंडितां ने फिर दोबारा बेनती की कि तुहानूं जाना पवेगा इत्थों दी परंपरा है गुरु नानक पातशाह जी उस जगन्नाथपुरी के मंदिर के जाते ने ते की देखते ने कि जिस किस्म की उन्होंने आरती की तो गुरु नानक पातशाह जी ने उस आरती दे विच अपना योगदान नहीं पाया शामिल एक पासे हो गए जदों आरती हो गई तो गुरु नानक पातशाह जी उन्होंने समझाते ने कि किसी भी रंग रूप ते आकार वाले देवता की आरती तुसी इस तरह थाली दे विच दीवे बाल के फुल रख के भोग मिष्ठान रख के नहीं उतार सकते तो कोई भी अजही शकल वाला देवता इस जगत का मालिक भी नहीं हो सकता पंडिता ने जिरा की सवाल किया क्यों साहिब श्री गुरु नानक देव जी का जवाब कि भई इस सब कश का मालिक तो वह अकाल पुरख वाहगुरु है जिस अकाल पुरख ने इन्हों भी साजिया है तो इन्हों की आरती थोड़ी थाली के अनुसार नहीं हो सकती फिर इन्हों की आरती तो एक कुदरत अपने आप कर रही है पूरी कायनात उस अकाल पुरख की वाहगुरु की आरती दे विच दिन रात 24 घड़िया अपनी आरती उतारती रहती है
किस किस्म की आरती, उस आरती का आप हमने जिक्र करते हैं। पर उत्थे एक होर एक विलखण घटना वापरती है, एक अपने आप नूं महान पांडा कहाउंदा जिहड़ा कहिंदा मैं रिद्धियां सिद्धियां दा मालक हाँ ते मेरी मेरे को बड़ी विद्या है, उसका नाम है कलयुग पांडा। वह कलयुग पांडे ने अपने आले दुआले बहुत अग बाली हुई हुई है, अखां मीच के बड़ा अंतर ध्यान किया होया, खास किस्म का एक अपना भेस बना के लोगों के सामने अखां मीचद, कदे खोलद, कदे कुछ करद, षड्यंत्र करद, तो लोगों कहता मैं हूँ सीधा ही दसवें द्वार के जुड़िया होया, तो मेरी सीधी ही विष्णु भगवान जी के नाल गल हो रही है। लोग समझते ने कि वाकई गल सही होगी। गुरु नानक पातशाह की करते ने कि उस कलयुगी पांडे ने अपने सामने एक बड़ा बड़ा बर्तन रखा जिहदे विच लोग आउंदे ने दर्शन करके पैसे विच पाई जांदे ने, पैसे इकट्ठे करदा। गुरु नानक पातशाह जी ने जदों पांडे ने अखां मिचियां ते उहदा पांडा उहदा जिहड़ा बड़ा सारा बर्तन सी उह चक लिया, वह बड़ा सारा बर्तन चक के उस पांडे के पिछले पासे पिठ दे पिछे रख दिता। कुछ समय बाद जदों कलयुगी पांडा अपनियां अखां खोलदा, नेत्र खोलदा, तां नेत्रां राही की देखदा कि मेरा पैसों वाला पांडा है नहीं, गायब हो गया। लोगों पुछदा मेरा पांडा, मेरा बर्तन, कोई जवाब नहीं। गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने कि भाई कलयुगी पांडिया तू हुणे ते लोगों कहिंदा सा मेरा दसवें द्वार दे विच सीधे विष्णु भगवान दे नाल गल हुंदी पई है, ते जे तू एडा वड्डा अंतरयामी है ते फिर तू अपने बर्तन का भी भाल कर ला, कित्थे आ तेरा बर्तन, कित्थे गया। पर हुंदा की है, वह बर्तन नहीं लभ सकता, तो उन्हूं सिख्या देंदे ने कि लोगों नूं गुमराह नहीं करना चाहिए। पांडिया सच दस कि तू है की है, इस तरह का पखंड रच के लोगों तो पैसे ना ठग, लोगों असल अकाल पुरख के नाल जोड़। ये तुहानू मैं उस जगन्नाथपुरी का वो महान मंदिर जिथे रथ यात्रा का बड़ा बड़ा समागम हर साल हुंदा है, तो ये तुहाडे सामने मैं स्क्रीन तो दुबारा दिखा रहा जगन्नाथ जी का मंदिर। फिर इस स्थान पर गुरु साहब जी ने वो आरती दसी जिहड़ी असल आरती उस परमात्मा की उस अकाल पुरख की भगवान की होनी चाहिए जो हो रही है, तो उन्होंने याद के गुरु नानक पातशाह की याद के इस स्थान के उत्ते गुरुद्वारा साहब सुशोभित है, गुरुद्वारा श्री आरती साहिब, उत्थे उन्होंने आरती उच्चारण की। तनासरी राग दे विच आपां उस आरती नूं सरवण करदे हां, ते मन चित ते ध्यान ला के केंद्रित करके इस आरती नूं सुनो, ते गुरु नानक पातशाह ने कि असल अकार पुरख की आरती है की है वह सुनो। महला पहला आरती ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल राव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती धूप मलया पवन जबरो करे सागल बन राय फुलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव कंडरा तेरी आरती अनहता शब्द बदंत पेरी सैस ताब नैन नानन नैन है तोहे को सैस मूरत नायक तो ही सैस पाद विमल दान एक पाद कंद बिना सैस ताब बंद बचल तुम्हारी साब में जोत जोत है सोए साब में जोत जोत है सोए तिस दै चानण साब में चानण होए गुर साखी जोत पर गट होए गुर साखी जोत पर गट होए ज्योतिष पावे सोवारती होए हाथ चरण कमल मकरंद लोभित मनो
ਆਣ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਈ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੂ ਕੋ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭੀਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ। ਰਮੇਸ਼ਵਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੀਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਰਾਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਪਏ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭੀਲ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਡੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਨੇ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਸ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਕੌਡੇ ਭੀਲ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ,
ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ, ਸਿੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਟੀਆ ਕਲਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਮਟੀਆ ਕਲਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਟੀਆ ਕਲਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਠੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਆਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਅਖੀਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਆਪ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ 18 ਰਜਵਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਵਨਾਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਕਲੰਬੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲੰਬੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਇਸ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਆਹ ਸੁਣੋ।